लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व यानी कि इलेक्शन। इस वक्त हमारे देश के 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहा है। उन 5 राज्यों में से एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है। तो आइए आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में मेजर 2 ही पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। इस वक्त यानी कि इस इलेक्शन से पहले पावर में कांग्रेस थी। तो आज मैं आपको दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में बताने वाला हूँ। मैनिफेस्टो मतलब वह होता है जो हर पार्टी इलेक्शन से पहले जारी करके लोगों को बताता है कि अगर मैं इस स्टेट में आप लोग मुझे वोट देकर इलेक्शन जिताते हैं तो हम लोग जीतने के बाद सबसे पहले क्या क्या या किन मुद्दों पे ज़्यादा फोकस करेंगे और क्या काम सबसे पहले करेंगे। तो ये दोनों पार्टी अपना मैनिफेस्टो अनाउंस कर चुकी है। तो आइए आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही है उस पर 1-2 जो मेजर एलिगेशन अपोजिशन पार्टी के द्वारा लगाया गया है उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था। उससे पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। वह 7 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। 33 डिस्ट्रिक्टों से बना जिसका कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ इंडिया का 9वां सबसे बड़ा स्टेट है। 2.94 करोड़ का पॉपुलेशन। इस राज्य का 40% जमीन जंगल से घिरा हुआ है और यह 3रा सबसे बड़ा कोयल एक्सपोर्टर है हमारे देश में। इस राज्य का 70% पॉपुलेशन किसानी खेती करता है। यह पॉइंट इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह चीज़ आपको रियलाइज हो जाएगा जब मैं आपको कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में बताऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं मैनिफेस्टो के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अभी जो पार्टी छत्तीसगढ़ में पावर में थी उससे, यानी कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो से। कांग्रेस का सबसे पहला पॉइंट है किसान लोग का कर्ज माफ करने का। कांग्रेस का दूसरा पॉइंट है कास्ट सेंसेस मतलब जातिगत जनगणना। तीसरा और इस इलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कांग्रेस पार्टी का कहना है अगर वो गवर्नमेंट बनाती है तो धान 3200 रुपये पर कुंटल कीनेगी किसानों से। इसी वजह से यह पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से एक पॉइंट है इस इलेक्शन में। चौथा पॉइंट फ्री एजुकेशन। तेंदूपत्ता यानी कि जिस पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है उस पत्ता को तेंदूपत्ता कहते हैं। उस पत्ता का अभी गवर्नमेंट के हिसाब से प्राइस है 4000 और इसके बाद अगर कांग्रेस गवर्नमेंट जीतती है तो उसका प्राइस बढ़ाकर 6000 कर दिया जाएगा। महातारी न्याय योजना, इस योजना के तहत कांग्रेस गवर्नमेंट यह बता रही है कि कुकिंग गैस पे वह 500 का सब्सिडी देगी। सब्सिडी यानी अगर आप 1000 में गैस मतलब कुकिंग गैस ले रहे हैं तो उसमें से 500 रुपया आपके अकाउंट में आपको वापस कर दिया जाता है, उसको सब्सिडी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अपोजिशन पार्टी के बारे में यानी कि बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में। बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे पहले नंबर पे बीजेपी का कहना है कि उसका अगर गवर्नमेंट आता है तो नेक्स्ट 2 साल में, गवर्नमेंट बनने के 2 साल में 1,00,000 गवर्नमेंट जॉब लेकर आएगी। नंबर 2 गरीब परिवार के महिलाओं को 500 में कुकिंग गैस दिया जाएगा। नंबर 3 बीजेपी का कहना है कि अगर वह गवर्नमेंट में आती है तो स्टूडेंट लोग को मंथली पैसा दिया जाएगा ट्रैवल के लिए, मतलब कॉलेज वाले जाने के लिए ट्रैवल खर्चा के लिए स्टूडेंट लोग को मंथली पैसा दिया जाएगा। लेकिन वह अभी अमाउंट अनाउंस नहीं किए, बस इतना ही बोले कि मंथली पैसा दिया जाएगा। नंबर 5 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18,00,000 नए घर बनाने का अनुमति दी जाएगी और स्टेट के सभी घर में साफ पीने वाली पानी पहुंचाई जाएगी। नंबर 6 जिन किसानों के पास अपना खुद का जमीन नहीं है उनको साल में 10,000 रुपया दिया जाएगा। महातारी वंदन स्कीम, इस स्कीम के तहत जितना भी शादीशुदा महिला है उन सभी को साल में 12,000 रुपया दिया जाएगा। नंबर 7 बीजेपी अगर गवर्नमेंट बनाती है तो वह धान किसानों से 3100 रुपये पर कुंटल कीनेगी। नंबर 8 बीजेपी का कहना है अगर वह जीतती है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करवाने लेकर जाएगी।
अभी आप लोगों ने दोनों मेजर पार्टी के मैनिफेस्टो को देखा। दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो में एक चीज कॉमन है, दोनों पार्टी अंधाधुन वादे करती जा रही है लोगों से, हम अगर जीतेंगे तो इतना पैसा देंगे, फ्री में इतना पैसा देंगे। तो इस चीज को जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वह दो नजरिए से देख रहे हैं। सबसे पहले कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जब सरकार लोगों को पैसा देगी, लोग के हाथ में पैसा रहेगा, लोग सामान किनेंगे, तो एक मार्केट में पैसा का फ्लो बना रहेगा। तो लोगों को पैसा देना यह एक पॉजिटिव चीज है कुछ इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इससे फिजिकल प्रूडेंस हो सकता है। फिजिकल प्रूडेंस मतलब कि कोई एक गवर्नमेंट लोगों को ज़्यादा पैसा देती जाए और लेकिन उतना पैसा उसको टैक्स के रूप में कलेक्ट ना हो पाए तो वह कर्ज में डूबती जाती है, उसको फिजिकल प्रूडेंस कहते हैं। इस चीज़ पे आपका क्या राय है, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर इस वीडियो में कहीं पे कोई गलती हो गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सुधार सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।